الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم मेरे भाई और बुजुर्गों, कुछ देर पहले आपके दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब दामत बरकातुहु अपने मुनफरिद और अपने अनोखे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ उसकी तशरीह और तफसीर और अपनी बात को अहादी से करीमा से मुदल्लल फरमा रहे थे। बहुत ज़रूरी और कीमती बातें इरशाद फरमाई है और अभी कुछ देर के बाद हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी उस्ताद हदीस दारुल देवबंद तशरीफ लाने वाले हैं और हजरत के तशरीफ लाने तक ही मेरे लिए कुछ कहने का मौका भी है। आप अपनी घड़ियों में देख ही रहे हैं कि वक्त सुकड़ता जा रहा है, असर की अजान का वक्त हो गया है। ज़्यादा देर इस जलसे को नहीं चलाया जा सकता, हजरत का खिताब भी हमें सुनना है, इसलिए जब तक हजरत तशरीफ लाए चंद बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। जहन में मजमून कुछ और था, लेकिन इस बच्चे के चंद अशआर सुनकर दूसरी तरफ जहन मुंतकिल हो गया है। मेरे भाई और बुजुर्गों, इस वक्त सारी दुनिया अजीब कश्मकश का शिकार है। जिस औलाद की तमन्ना और उम्मीद लेकर आदमी कितने मंसूबे बनाता है, कितने प्रोग्राम बनाता है और उसके लिए नामालूम कितना रुपया पैसा खर्च हो रहा है। सब जानते हैं कि औलाद बग़ैर निकाह के और बग़ैर शादी के वजूद में नहीं आती, जो हलाल औलाद होती। हराम के लिए तो आदमी कुछ भी कर ले, उसका तो कोई एतबार ही नहीं, लेकिन हलाल और जायज़ औलाद हासिल करने के लिए निकाह किया जाता है, शादियां की जाती हैं और उनके लिए शुरू से ही मशक्क़तें बर्दाश्त की जाती हैं, रिश्ते तलाश किए जाते हैं। बाज़ लोगों को रिश्ते ढूंढते ढूंढते
काफ़ी वक्त गुजर जाता है। लड़कियों के लिए भी रिश्ते मुश्किल हो रहे हैं और लड़कों के भी रिश्ते मुश्किल हो रहे हैं, और उस मुश्किल की वजह भी हमने खुद ही पैदा कर रखी है। ये मुश्किलात जो रिश्तों में आ रही है, इसकी वजह किसी और ने नहीं बल्कि हमने इन मुश्किलात को खुद पैदा किया है। वरना तो हमारे दीन में, हमारी शरीयत में निकाह सबसे आसान काम है, सबसे आसान चीज है। और उसके लिए किस चीज को शरीयत ने मेयार बनाया है, निकाह करने के लिए हमें क्या चीज देखनी चाहिए, किस चीज की तलाश हमें होनी चाहिए, वो बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाई है कि निकाह चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, चार चीज़ों की वजह से किया जाता है। ये आपने अपने ज़माने के एतबार से इरशाद फरमाया, आज से 1400 साल पहले ये बात इरशाद फरमाई थी कि निकाह करने के लिए दोनों फरीक चार बातों में से किसी एक को तलाश करते हैं। तुनकाहुल मरतु लिअरबाइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, कि या तो रिश्ता करने वाले देखते हैं माल को, लड़के वाले भी देखते हैं, लड़की वाले भी देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इस चीज़ को देखता हो। आजकल तो ये बात खुली आंखों से नज़र आ रही है कि लड़के वाले कितने लालची हो गए हैं, लालच की हद हो गई है, और इस लालच में उन्होंने भीख का हाथ भी फैलाना शुरू कर दिया है। ये लालच की इंतहा है कि दुनिया में जो सबसे जलील काम था मांगने का, मांगना सबसे जलील काम है। मांगने वाले आदमी को कोई भी इज्जत की नज़र से नहीं देखता, बल्कि ऐसे आदमी से कतराना शुरू कर देते हैं। जिस आदमी की आदत मांगने की हो जाती है तो जहां नजर आता है ओहो भाई कुछ मांगेगा, आ गया भाई मांगने के वास्ते, देखो क्या मांगेगा। तो मांगने वाले को दुनिया जलील समझती है, मगर आज हमारे वो भाई जिनके घरों में लड़के अल्लाह ने दिए हैं, या खुद लड़का हो या लड़के का बाप हो या लड़की की माँ हो या लड़के का दादा हो, सारे के सारे भिखारी बन गए, सब ने भीख मांगनी शुरू कर दी। क्या देगा भाई, क्या देगा भाई। अगर कुछ अल्लाह ने हमारे इलाके के एतबार से कुछ ज़मीन थोड़ी बहुत दे रखी है, 5-7-10 बीघे ज़मीन है, उसके तो मिजाज का पूछना ही कुछ नहीं। वो तो मुंह मांगी कीमत अपने लड़के की लगाता है। पहले मोटरसाइकिल से बात शुरू हुई थी, फिर मोटरसाइकिल में बुलेट से बात शुरू हुई, और अब बात आ गई है कार पर। चाहे उसके यहाँ पहले से लड़कियां हैं, उसने उनको चाहे कार दी हो या ना दी हो, और फिर अगर दे भी दी हो तो इससे कोई बहस नहीं है कि वो दूसरे से भी कार मांगे। आपके पास है, आपने, आपको अल्लाह ने दिया है, आपने कार दी मोटरसाइकिल दी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बदले में दूसरों से भी कार वसूल करें, अपनी कार खुद अपने ही रख लेते। अगर कार चलाने का शौक है, कार में बैठने का शौक है, तो अपनी कार खुद ही रख लेते जो आपने किसी को दी, या नहीं दी तो फिर जब कुछ नहीं है तो शौक कैसा फिर।
या तो कार खरीदो अगर शौक है कार में बैठने का, ये दूसरों से मांग कर भीख मांग कर कार में बैठना, ये क्या शौक हुआ। तो गरज ये कि ये बात उस जमाने में भी थी, लिमालिहा माल की वजह से शादियां की जाती थी कि लड़की क्या लेके आएगी, इसके पास कितना माल है, इसके बाप के पास कितना माल है, इसको वरासत में कितना हिस्सा मिलेगा, या फिर जमाल खूबसूरती। खूबसूरती को हम देखते हैं भाई लड़की ठीक, पहले तो हमारे इलाके में देखने देखने का रिवाज नहीं था, बस मतलब मालूम हो जाता कि फला घर में लड़की है और रिश्ता हो जाया करता था। अब ये बीमारी भी शुरू हो गई, अगरचे शरीयत ने गुंजाइश जरूर दी है, लेकिन जिस नज़र से देखा जा रहा है कि पूरा रेला का रेला आता है, लड़के वालों की माँ, लड़के वालों की बहन, खाला फूफी चल देती है लड़की के, एक लड़की को देखने के वास्ते, तो जमाल की वजह से शादी की जाती है। या फिर कहीं कहीं लोग खानदान भी देख लेते हैं, अगरचे माल के सामने खानदान वानदान की अब कोई हैसियत नहीं रही, अलबत्ता उस जमाने में थी कि लोग खानदान को भी देखते थे, ऊंचे खानदान की है उसके अखलाक अच्छे होंगे, मामूली खानदान की है तो अखलाक खराब होंगे, इसलिए इस चीज को भी देखते थे पहले। तो माल की वजह से, जमाल की वजह से, या हसब नसब खानदान की वजह से, और चौथी चीज आपने इरशाद फरमाई के दीन की वजह से। कुछ लोग अल्लाह के बंदे ऐसे भी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल ही उन्होंने आंखें बंद कर ली हो, कुछ अल्लाह के बंदे आज भी ऐसे हैं जो इस चीज को देखते हैं कि दीनदार घराना है, लड़की कुछ पढ़ी हुई है, उसने कुरान शरीफ पढ़ रखा है, बहिश्ती जेवर पढ़ रखा है। बाज हमारे सीधे साधे भाई तो कहते हैं कि हाँ लड़की बिश्ती जेवर भी पढ़ी हुई है। तो गरज ये कि ये चीज भी अभी निकाह में इसको मायार बनाया जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाकर यूं फरमाया कि ये तीनों चीजें जाए होने वाली, खत्म होने वाली, ना पायदार है, इनका कोई एतबार नहीं है। माल है आज है कल ना हो, बहुत सारा सामान लेके आई है लड़की, लोग लड़की का लाया हुआ सामान बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, मोटरसाइकिल बेच देते हैं, सामान बेच देते हैं, तो माल कोई पायदार चीज नहीं है, ये तो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ही देता है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, ये रोजी की तकसीम तो अल्लाह की है, किसी के लाने से कोई आदमी मालदार नहीं होता। यही बात खूबसूरती की भी है, आज है खूबसूरती, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बीमार हो जाए लड़की या लड़का ही बीमार हो जाए, जिस चेहरे को देखकर निकाह किया गया था लड़का बीमार हो गया, अल्लाह ना करे मैं नहीं कहता बीमार हो, लेकिन इम्कान तो है ही, आजकल बीमारियां एक से एक बढ़ी हुई है, किसी को पी लिया, काला पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया, और अंदर ही अंदर बीमारी पनपती रहती, पता भी नहीं चलता। तो बीमारी आ गई, सारी खूबसूरती खत्म, लड़के की खूबसूरती हो या लड़की की खूबसूरती हो चंद दिनों में खत्म हो जाती है। और रही बात खानदान की, अगर खानदान ऊंचे खानदान की लड़की या लड़का है और उसने गलत हरकत कर दी, तो खानदान की क्या इज्जत रह गई, फिर खानदान में क्या रह गया, लड़कियां भाग रही हैं, लड़के लड़कियों को भगा रहे हैं, हर तबके की लड़कियां जा रही हैं, तो खानदान क्या रह गया फिर। तो गरज ये कि ये तीनों चीजें नापायदार है। आपने इरशाद फरमाया कि दीनदारी देखो, दीनदारी देखो, लड़का दीनदार है तो तुम्हारी लड़की को आराम से रखेगा। आमतौर से मौलवियों के बारे में यही मशहूर है कि भाई ये अपनी बीवियों को कुछ नहीं कहते, ये बिल्कुल ठंडे मिजाज के होते हैं, लड़कों को चाहे कितने ही मार ले मदरसे में, लेकिन घर में आके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए तो लड़की को ठीक रखेगा, लड़की दीनदार है तो खिदमत करेगी, सास की खिदमत करेगी, ससुरे की खिदमत करेगी, घर के सब लोगों की खिदमत करेगी। जब खिदमत करेगी तो किसी को क्या पड़ी है उसको परेशान करने की। आजकल जो परेशानियां हो रही हैं उसकी वजह यही है कि हमारी लड़कियां जो आ रही है जा रही है वो अब हुकूक को नहीं पहचानती किसी के भी, उनको तालीम ऐसी दी जा रही है, उनको सिखाया ही जा रहा है,
लड़की की माँ या लड़की की बहनें उसको तालीम ही ऐसी दे रही हैं कि जाके किसी की खिदमत नहीं करनी और दो चार दिन के बाद ही अलग होने का मसला खड़ा कर देना है बस। न कपड़े धोने हैं किसी के, न किसी की रोटी बनानी है, न किसी का और कोई काम करना है, ना घर को साफ करना है, कुछ नहीं करना बस। तो थोड़े दिनों में खुद ही अलग कर देंगे, ये तालीम दी जा रही है हमारी बड़ी औरतों की तरफ से बच्चियों को। जब बच्चियों को गलत तालीम दी जा रही है तो वो क्यों किसी की खिदमत करेगी, जब खिदमत नहीं करेंगी तो उनके साथ अच्छा सलूक कहाँ से होगा। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ज़्यादा कहने का मौका नहीं रहा, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन मैंने आयत तो पढ़ी थी कुछ और, मगर वहाँ तक पहुँचना चाहता था, अभी तमहीद में ही रह गया। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, औलाद के लिए सारे झंझट पाले जाते हैं, मैं ये कहना चाहता था जिस औलाद के लिए ये सारे झंझट पाले जा रहे हैं, निकाह किया जा रहा है, शादियां की जा रही हैं, बेटा माल खर्च किया जा रहा है, अब माल के बारे में शादी ब्याहों में कुछ कहना फजूल और बेकार था, कुछ ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तो वो काम करना चाहिए जो नेता और लीडर करते हैं। एक तो होता है कायद, जो कौम के कायद क़यादत करने वाले होते हैं, वो तो जो उनको सही लगता है वो कहते हैं कौम को अच्छा लगे या बुरा लगे। एक होते हैं लीडर और नेता, वो नब्ज़ रखते हैं पब्लिक की और लोगों को बुलाएंगे, हाँ भाई क्या मशवरा है भाई, कौन सी पार्टी में रहना चाहिए, कौन सी पार्टी की हवा चल रही, अजी इसमें जाना, अच्छा भाई ठीक। ये काम है नेताओं का और लीडरों का, वो पब्लिक की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और देखते हैं रुख किधर को है, वो इसको नहीं देखते कि भाई ये पार्टी सही है या गलत है, बस उनको तो कौम के मिजाज के मुताबिक काम करना है। तो अब वही काम हमें भी करना पड़ गया, हम यूँ कहें भाई शर खर्च ना करो, निकाह सादा कर लो, कोई मानने सुन तो नहीं, खैर मजबूरी में, क्योंकि दुआ से पहले उठ नहीं सकते, मजबूरी में सुनना है, सुन तो लेते हैं लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। तो अब तो हम यूँ कहना शुरू कर दे भाई ये शादी है, और शादी खुशी को कहते हैं, और खुशी में तो आदमी जितना भी खर्च कर दे ठीक ही, अब तो यूँ कहना चाहिए, लीडरों वाला काम, नेताओं वाला काम करना चाहिए, फायदों वाली बात तो छोड़ देनी चाहिए, यूँ कहना चाहिए कि अगर भाई ज़मीन बिकती हो तो बेच दो, शादी में अगर ज़मीन बिकती हो तो दो चार बीघे बेच दो, कौन सा रोज़ शादी होती है, अरे शादी एक मरतबा होती ज़िंदगी में, ये क्या है चुपचाप चले गए, चुपचाप बहू को लेके आगे किसी को पता भी नहीं, ये क्या निकाह हुआ, ये क्या शादी। अरे नहीं भाई, ऐसा होना चाहिए कि बारात में 20-30-50 गाड़ियाँ जानी चाहिए ताकि जिस रास्ते से गुजरे तो पता लगे कि फला के लड़के की बारात आई है, और गाड़ी खुली होनी चाहिए, इसकी छत खुल जानी चाहिए ताकि इसमें दूल्हा खड़ा हो सके, सब उसको देख ले भाई ये है, ये भिखारी आ रहा है, ये मांगने के वास्ते आ रहा है, ये सामान मांग के लेके जाएगा, सब उसको देख ले, और गोले जितने भी पटक सकते हैं उतने पटकाने चाहिए, चाहे कोई बीमार परेशान हो, बच्चे चाहे हुदकते रहे, बच्चे चाहे रात को सोते हुए कूदते रहे, तुम्हें इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जितने भी गोले पटक सकते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कम से कम 100 गोले लगातार लगातार पटकने चाहिए, जब बारात चले जब भी, और जब किसी गांव में घुसो तो वहां भी दहशत फैला दो, जैसे डाकू किसी गांव में घुसते थे पहले तो रात को वो फायरिंग करते हैं दहशत फैलाने के लिए, ये हमारे बाराती भी गांव में दहशत फैला देते हैं, तय गोले पटाखे 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 एक के बाद सांस भी नहीं लेते, हर सेकंड के बाद में, हर सेकंड के बाद में, ऐसा कोई तरीका देखा तो मैं नहीं लेकिन सुनता हूँ। तो भाई अब तो जितना भी पैसा खर्च कर सकते हो खर्च करो, कौन सा रोज रोज लड़के की लिबास पे अगर 10,000 का बनता है तो लाओ, कोई हर्ज की बात नहीं है, कौन सा रोज रोज शादी होती है, लड़की का लहंगा, अब लहंगा भी चल गया, चुन्नी भी चल गई, अरे भाई अगर 20,000 के लहंगा चुन्नी आता तो लाओ, कौन सा रोज रोज ये काम होता है, एक तो बीवी आती जिंदगी भर में, तुम चुपचाप लेके आ जाओ सर, नहीं नहीं भाई खूब खर्च करो भाई, और नाश कर लो अपना जितना भी हो सकता हो, खूब नाश करो अपना, अगली नस्ल की कोई फिक्र ना करो वो क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से नहीं खाएंगे, अब तो अपने नाम के वास्ते जितना खर्च कर सकते हो कर लो, ये शोहरत ऐसी थोड़ा मिलती है कोई,
शोहरत ऐसे थोड़ा मिल जाती है। शोहरत हासिल करने के लिए तो बहुत खर्च करना पड़ता है भाई। ऐसा काम करो, ऐसी शादी करो क्या गाँव में नहीं बल्कि पूरे इलाके में शोहरत हो जानी चाहिए कि फला के लड़के की या फला की लड़की की शादी हुई है। तो अब आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है, ठीक है, हम भी कह देंगे इसी को, बड़ी अच्छी बात है, करो भाई, अल्लाह आपका भला करे। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गो, एक अमानत और दियानत भी है, एक अल्लाह ने जो जिम्मेदारी डाली है वो भी हमें पूरी करनी है। आप चाहे सुनना चाहे सुने ना सुने, मानना चाहे माने ना माने, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे हजरत जो तशरीफ फरमा है स्टेज पर, इनकी तो जिम्मेदारी है कि जो कुछ अल्लाह ने इनको अमानत दी है वो अमानत इनको आप तक पहुंचानी है। इसीलिए आखिर तकरीर में क्या कहते हैं, वमा अलैना इल्लल बला। जब तकरीर खत्म होती है तो आखिर में जुमला कहते हैं, वमा अलैना इल्लल बला। हमारे जिम्मे तो पहुंचाना है, हमने पहुंचा दिया, बाकी आपकी मर्जी। आप करेंगे फायदा उठाएंगे, नहीं करेंगे दुनिया का भी नुकसान झेलेंगे, आखिरत का भी नुकसान झेलेंगे। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, जिस औलाद के लिए इतनी मेहनतें होती हैं, औलाद वजूद में आती है, पैदा होती है, फिर वो चलना शुरू होती है, आदमी उम्मीद में रहता है अब चलेगा, अब चलेगा, अब बात करेगा, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो साथ चलना शुरू कर देता है, खेलना कूदना माँ बाप खुशी से देखते हैं। लेकिन जहाँ 15, 16, 17, 18 साल की उम्र हुई, माँ बाप की सारी खुशी काफूर हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। उम्मीद थी कि बच्चा हमारी खिदमत करेगा, हमारी बात मानेगा, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनेगा, अच्छे इसके अखलाक होंगे, लेकिन मेरे भाइयों सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो रहा है। बल्कि जिन उलमा हुफाज की ये बात थी कि वो माँ बाप के फरमाबरदार होते थे, अब तो उनकी भी शिकायत आनी शुरू हो गई, अभी जी है लड़का तब भी नहीं मानता। ऐसी शिकायतें हमारे इस तरीके की भी आ रही हैं, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान शरीफ में माँ बाप के हुकूक एक जगह नहीं बहुत आयतों में इरशाद फरमाए हैं, वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह। इबादत होगी सिर्फ एक अल्लाह की होगी, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और दूसरा हुक्म अल्लाह ने साथ साथ इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक करो, वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, उनकी इताअत करो, जैसा वो कहें वैसा रास्ता इख्तियार करो, जिस रास्ते पर चलने के लिए उस रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। अगर उनमें से किसी को बुढ़ापा आ जाए, माँ को बाप को या दोनों को बुढ़ापा आ जाए तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी में, तो मेरे भाइयों उनको धमकाओ नहीं, भला तकुल्लाहुमा हु, उनकी किसी बात पर ऊह ना करो, ऊह ना करो, तेरा यही काम हो गया, हर टाइम तू बस यही कहता रहता है, माँ ने तंग कर लिया, बाप ने तंग कर लिया, भाई उन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर दी हमारी, ये बातें कहना मुनासिब नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं उनको ऊह भी ना कहो उनकी बात पर, चाहे वो तुम्हें नागवार ही क्यों ना गुजर रही हो, उनकी बात को मानो। वला तकुल्लहुमा उफ्फिं वला तन्हरहुमा, उनको झिड़को नहीं, चाहे वो कुछ भी कहें, बूढ़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ कमजोरी आ जाती है, वो कभी कभी एक बात को 3-3 मरतबा भी कहते हैं, 4-4 मरतबा भी कहते हैं, 5 मरतबा भी कहते हैं, एक ही बात को कहते चले जाते हैं। वला तन्हरहुमा, उनको धमकाना नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, अच्छा जी ठीक है जी, जो आप कह रहे हैं ठीक है। करीमा, अगर कोई बात समझाने की भी है तो नरमी से समझा दो, नहीं अब जी ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह नहीं, ऐसा बात अगर उनकी गलत है, हो सकती है बात गलत हो सकती है, माँ बाप की बात भी गलत हो सकती है, तो उनकी इसलाह का तरीका ये नहीं है कि हम उनको धमका के बात करें, बल्कि नरमी से उनको समझाएं कि ऐसा नहीं, ऐसा मुनासिब है। तो मेरे भाइयों ज़रूरत है इस चीज़ की। बच्चे के अशार पढ़े थे, नात पढ़ी थी, नज़म पढ़ी थी, उसमें एक शेर ये भी आ गया, इसलिए चंद बातें मैंने अर्ज़ कर दी, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक।